नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत उपयोगी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं। हालांकि इसके लिए हमारी एक अलग से वीडियो पड़ी है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। वर्ण के नाम से पूरी वर्णमाला का एक अलग से वीडियो बनाया गया है, लेकिन यह हम देखते हैं कुछ प्रश्नों पर कि शब्द किसे कहते हैं। तो जिसमें पहला ऑप्शन है कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, या एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। तो यहाँ दोस्तों जो इसका उत्तर है वो है ए। क्यों? क्योंकि जो वर्ण होता है, यानी कि हमारा कमल है, तो हमारा क प्लस म प्लस ल, तो ये हमारा क क्या है? वर्ण है। म क्या है? वर्ण है। ल क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और ये पूरा सब क्या बनता है? शब्द बनता है। तो वर्णों के समूह शब्द कहलाता है, लेकिन उसमें क्या है, हर वर्णों का समूह शब्द नहीं कहला सकता। कुछ वर्णों के समूह ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोई अर्थ न निकलता हो, तो हम उसे हम वर्ण नहीं कहेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि वर्ण वो है जिसका कुछ अर्थ निकले, यानी कि वो वर्णों का समूह तो हो। शब्द वर्णों के समूह को कहते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, यानी कि वो सार्थक हो। दूसरी बात क्या है इसमें? तो पहला तो यह है सार्थक हो, पहला क्या है? सार्थक। दूसरा, वह स्वतंत्र हो। पहला क्या है? वर्णों के यानी अक्षरों के मेल जो सार्थक और स्वतंत्र हो, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा है यह। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? एक या अधिक से सार्थक वर्ण समूह को, तो मेन क्या है? वो सार्थक होना चाहिए। अगर वर्णों का समूह ऐसा है जिसका जिसका कि कोई अर्थ न निकले, तो हम उसे शब्द नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? वो पहला है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? तो पहला है अनुच्छेद 343, दूसरा अनुच्छेद 352, तीसरा अनुच्छेद 356, और चौथा अनुच्छेद 370। हम अब देखते हैं नीचे से। तो अनुच्छेद जो 370 है डी ऑप्शन में, वह अनुच्छेद है कश्मीर से संबंधित जो विशेष प्रावधान थे, वह था आर्टिकल 370, जो कि अब समाप्त हो गया है। तो इसलिए ऑप्शन यह डी ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन है इसका सी, अनुच्छेद 356। ये है अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो वहाँ कहते हैं कि 356 लागू हो जाना। अगर राज्यों में संवैधानिक ढांचा, कोई भी सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चल पाती, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जो कि आर्टिकल 356 में वर्णित है। अगला ऑप्शन है इसका 352। तो यह है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है 352। ठीक है, तो इसलिए तीनों वाले ऑप्शन ये नहीं है। ये ऑप्शन बचता है हमारे पास अनुच्छेद 343, जो कि भाषा से संबंधित है, यानी भाषा को, हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है कि संविधान को किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है, तो वह है आंसर अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है
कि हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? तो ऑप्शन किशोरीदास वाजपेयी, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी श्याम सुंदर दास और डी नगेंद्र। तो इसमें सही आंसर है वो है ए, किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी को मानक रूप प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो कन्नौजी कौन सी है? तो आंसर में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, जिसमें सही आंसर है इसका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से संबंधित इसमें ब्रजभाषा, इसमें खड़ी बोली। ब्रजभाषा कहाँ तक है? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, यहाँ तक है खड़ी बोली का क्षेत्र, सॉरी ब्रजभाषा का क्षेत्र। दूसरी है खड़ी बोली, या ऐसे हम बोल सकते हैं कौरवी बोली, खड़ी बोली बोल सकते हैं, या ऑप्शन में अगर कौरवी बोली आता है तो हम उसे खड़ी बोली ही समझें। ये आता है हमारा जो पश्चिमी यूपी है, जैसे गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद से मुजफ्फरनगर तक जो आता है क्षेत्र, वह है हमारा कौरवी हिंदी कह लें या कौरवी बोली कह दें, इसे हम खड़ी बोली भी कह सकते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है हरियाणवी, जो दक्षिणी दिल्ली और जो हरियाणा से मिला हुआ क्षेत्र है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, ये वाला क्षेत्र है वो है हमारा हरियाणवी हिंदी। अगली बोली है बुंदेली, जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, झांसी है, ग्वालियर है, जो आगरा के उस पार निकल जाते हैं, आगरा तक है ब्रजभाषा। जैसे हम आगरा से आगे जाते हैं, झांसी, ललितपुर, महोबा, तो हम वो बोलते हैं बुंदेली हिंदी। इधर है हमारा अगली है पांचवा पश्चिमी हिंदी का भाग, वह है कन्नौजी। क्या है सही आंसर है इसका? पश्चिमी हिंदी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पांचवा, कि निम्न में से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है? तो ऑप्शन है बुंदेली, मगही, हड़ौती और अवधी। बिहारी हिंदी है, यह बिहार और झारखंड में बोली जाती है। इसकी जो बोलियां हैं बिहारी हिंदी की, वो ये हैं भोजपुरी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये इसकी तीन बोलियां हैं बिहारी हिंदी की। तो ऑप्शन में भोजपुरी नहीं है, मैथिली नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है? मगही है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मगही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है मगही, बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य अवयव क्या हैं? तो भाषा के मुख्य, सबसे पहले जो भाषा का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? सबसे छोटा रूप होता है वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण को आगे मिलाकर, यानी वर्णों को मिलाकर आगे बनता है शब्द, और शब्दों को मिलाकर आगे बनता है पद, और पदों के समूह को कहते हैं हम वाक्य। तो इसलिए अगर ये क्रम आता है तो नंबर एक है हमारा वर्ण, दूसरा शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि अक्षर वर्ण कहलाते हैं। शब्द क्या है? वर्णों का मेल जो सार्थक हो और स्वतंत्र हो। पद क्या है? पद और शब्द में अंतर इतना है कि अगर शब्द स्वतंत्र है, अगर शब्द स्वतंत्र है तो उसे हम शब्द कहेंगे, और अगर शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो हम उसे पद कहेंगे। जैसे राम घर जाता है,
ठीक है, तो यहाँ हम कोमा लगा दें, राम के बाद कोमा लगा दें, घर के बाद कोमा लगा दें, जाता के बाद कोमा लगा दें, तो अब क्या है, राम अपने आप में अलग है क्योंकि कोमा लग रहा है, घर क्या है अपने आप में अलग है कोमा लग रहा है, जाता है क्या है अपने आप में अलग है, यानी स्वतंत्र हैं तीनों, इसलिए हम इनको शब्द कहेंगे। अगर हम इसमें कोमा हटा दें, राम घर जाता है, तो अब यहाँ बीच में कोमा ना हो, ये अब क्या है पूरा वाक्य है, वाक्य में जो राम है ये पद है, घर है पद है, जाता है पद है पद है, अगर वाक्य में कोई शब्द प्रयोग होता है तो उसे हम पद कहते हैं, वाक्य से अलग और कोई शब्द स्वतंत्र है उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त तो होने वाली भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, लोकभाषा, ठीक है। अब हम देखते हैं तो उसका सही आंसर क्या है, राजभाषा, जो राजकीय कार्यों सरकारी कामों में जो प्रयोग होती है उसे कहते हैं हम राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, कि राष्ट्रभाषा है कि किसी भी देश की परनिश्चित भाषा जब व्यापक रूप से बहुत बड़ी जनता के सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवहार में आती है तो हम उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। और परनिश्चित भाषा क्या है कि उसमें हम पूरी तरह व्याकरणिक जो हम सुधार दें, अपभ्रंश की गुंजाइश ना हो, उसे हम कहते हैं परनिश्चित भाषा, ठीक है। लोकभाषा क्या है, लोकभाषा जो गाँव में जो हमारी क्षेत्रों में आंचलिक बोलियां होती हैं उसे हम कहते हैं लोकभाषा। तो इसका जो आंसर है वो है पहला ए, राजभाषा। अगला देते हैं हम आठवां, ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को, 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, ठीक है। हम बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं तीन पढ़ चुके हैं, तो बिहारी हिंदी की जो बोलियां कौन कौन सी है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, अब भी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें, अवधि, यानी कि यह अवधि बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, अवधि है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, तो ये जो अवधि है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, कहाँ की, पूर्वी हिंदी की, न के बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी की कौन सी है, मैथिली है, मगही है और भोजपुरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में हिंदी बोली और लिखी जाती है, तो वो देश है मॉरिशस, यहाँ हिंदी लिखी जाती है, बोली जाती है, और ख़ासकर मॉरिशस में ब्रज भी बोली जाती है। अगर बोली की बात आती है तो वहाँ ब्रज बोली जाती है, और अगर हिंदी आता है ऑप्शन में तो हिंदी बोली जाती है और लिखी जाती है, कहाँ, मॉरिशस में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है, तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं, तीनों शब्द, यानी कि हिंदू जो धर्म में प्रयुक्त किया जाता है हिंदू, वह शब्द भी फारसी भाषा का शब्द है। जब भारत में ईरानी लोगों का आक्रमण हुआ, यानी कि आगमन हुआ, तो ईरान के लोगों ने सिंधु के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, उन्होंने किसी धर्म के लिए हिंदू नहीं कहा, किसी जाति के लिए हिंदू नहीं कहा, किसी संप्रदाय के लिए हिंदू नहीं कहा, उन्होंने हिंदू कहा कि जो सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग हैं उसको हिंदू कहा है, ठीक है। और सिंधु नदी के आर पार के हिंद, यानी कि सिंध
का जो स्थान सिंध के पार का स्थान है उसको हिंदुस्तान कहा है। लेकिन आज के दौर में हिंदू एक धर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। हिंदू शब्द ईरानियों के आक्रमण के बाद आया है और धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है सबसे पहले अकबर के समय में। मुगल यानी कि मुगल काल से पहले हिंदू शब्द धर्म के लिए प्रयुक्त नहीं होता था। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो आंसर है वह है संस्कृत, यानी कि फारसी भाषा का शब्द नहीं है, वो है संस्कृत। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है, यानी कि मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? तो हमारा प्राकृतिक पाली, संस्कृत और हिंदी। तो हमारा आंसर है पाली, पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? हम पहले बता चुके हैं, जब हिंदी शब्द ही फारसी भाषा का शब्द है तो जाहिर सी बात है कि हिंदी शब्द का प्रयोग भी उसी भाषा की रचना में किया गया होगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन क्या है? संस्कृत है, पाली है और प्राकृत है। ठीक है, जबकि इन ये ऑप्शन नहीं है। हिंदी भाषा, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है वह फारसी भाषा की रचनाओं में किया गया है, क्योंकि हिंदी शब्द ही फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? तो यह है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और चरण सिंह। इंदिरा गांधी भी यूपी के रहने वाली हैं, इलाहाबाद की, अटल बिहारी भी आगरा के रहने वाले थे और चौधरी चरण सिंह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो मोरारजी देसाई हैं, इनकी भाषा गुजराती है। तो इसलिए प्रश्न ये है कि निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? तो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी और चौधरी चरण सिंह की मातृभाषा हिंदी है, इसके अलावा हिंदी नहीं है वह है मोरारजी देसाई। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी। प्रश्न है अगला, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो प्रश्न ऑप्शन है हमारे ए अवधि, बी ब्रज, सी मैथिली और डी मगही। जो तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, जो अकबर की समकालीन यानी कि अकबर के समय में लिखी गई है, क्या है? अवधि। ठीक है, प्रश्न अगला 16वां, कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा, परनिष्ठित भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा? तो ऑप्शन है, सही ऑप्शन इसका बी। जब कोई बोली या भाषा व्याकरण उसका सही शुद्ध व्याकरण हो, हम कहते हैं परनिष्ठित भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंद भी कहा है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। इसने हिंदी को हिंदी भी कहकर उच्चारित किया गया। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर इनके बारे में और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो हमारे और वीडियो देख सकते हैं, जो उसमें डीपली जानकारी आपको दी जाएगी हिंदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।